इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मेरा नाम है रूपल और मैं वीडियोज बनाती हूँ अबाउट ब्यूटी, फैशन एंड लाइफ स्टाइल। और आज की जो वीडियो है वो है मेरा गो टू मेकअप लुक। सो गाइज, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक टू डू मेकअप, अ लॉट ऑफ मेकअप ड्यूरिंग समर सीजन, और कुछ लोगों को तो मेकअप बिल्कुल ज़्यादा करना पसंद ही नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज आई थिंक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेहान से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। से हाय, हाय बोलो, हाय हाय, फ्लाइंग किस कर दो, करो, चल जाओ। सो एज आई टोल्ड यू कि ये जो वीडियो है वो है अबाउट मेरा गो टू मेकअप लुक। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोगों को मेकअप करना पसंद है बट समर सीज़न में उनको ज़्यादा पसंद नहीं है मेकअप करना। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, बिकॉज ये बहुत बहुत ईजी मेकअप लुक है एंड ईजी टू अचीव है, बहुत लेस प्रोडक्ट इसमें यूज़ होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक टिकता भी है। रीज़न बींग बिकॉज ड्यू टू लॉट ऑफ स्वेट एंड ह्यूमिडिटी मोस्ट ऑफ द जो मेकअप होता है वो बह जाता है स्वेट में, तो ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा फीजिबल है उस चीज़ के लिए, और ये बिल्कुल भी आपका हटेगा नहीं कहीं भी, और डे या नाइट दोनों में ही काम आएगा। सो अगर आप जानना चाहते हो कि ये मेकअप लुक कौन सा है, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज आई टोल्ड यू, मैं इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के पास होंगे ही होंगे, और एक दो प्रोडक्ट जो आपके पास में नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हो, और उनकी जगह मैं आपको बता भी दूंगी कि आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आई हैव टू डील विद ऑल दिस। रात को मैं वीडियो बना नहीं सकती और दिन में मेरे को रिहांश के साथ वीडियो बनानी होती है, सो दैट्स वाई आई हैव टू लाइक लुक आफ्टर हिम एंड मेक वीडियो एज वेल। सो पहला जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है न्यूट्रोजिना का सनस्क्रीन लोशन। एंड गाइज, अगर आप लोगों ने ये सनस्क्रीन लोशन यूज़ नहीं किया है देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ दिस वन, बिकॉज ये इतना ज़्यादा अमेजिंग है और काफ़ी अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर देता है पहली बात तो आपके फेस को, और हल्का सा ना शीयर शाइन छोड़ के जाता है आपके फेस पे, विच गिव्स यू दैट काइंड ऑफ अ नेचुरल ग्लो। वाइट कास्ट नहीं है इसमें बट हल्की सी शाइन है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। एट टाइम्स तो मैं बीबी क्रीम भी यूज़ नहीं करती हूँ एंड आई यूज़ दिस सनस्क्रीन ओनली, और मैं यहाँ पे जो है ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, और इस वीडियो के बाद मैं फेंक देने वाली हूँ फॉर श्योर। तो इसका मैं बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी लूँगी और इसको ऑल ओवर फेस एंड नेक अप्लाई करूँगी, बिकॉज ये मेकअप हम बहुत ही शीयर रखने वाले हैं और नेचुरल रखने वाले हैं, तो इसमें मेरे को बहुत बीबी क्रीम का कवरेज की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जहाँ पे मुझे फील होता है कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं और कुछ स्पॉट्स जिनको मुझे हाइड करना है, मैं बस वहीं इसको अप्लाई करूँगी। That's it, and some on my neck, और finger की help से मैं इसको blend कर लूँगी। Guys, slowly and gradually, जब से मैंने makeup करना start किया है I have noticed that finger की help से जितना अच्छा makeup होता है उतना अच्छा किसी भी beauty blender या फिर brush से नहीं हो पाता है, because finger से आप अच्छी तरीके से apply कर पाते हो अपना foundation और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, और फिंगर की वॉर्म्थ की वजह से वो ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं देता और बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है। इनफैक्ट जब मैं अपनी मैरिज का मेकअप कराने गई थी पार्लर में, बहुत बड़ा पार्लर नहीं किया था मैंने, तो वहाँ पे भी जो पार्लर लेडी थी उसने मेरा जो फाउंडेशन था, इनफैक्ट सारा ही ब्लश वगैरह का सारा मेकअप उन्होंने फिंगर से ही किया था, ऑफकोर्स आफ्टर सैनिटाइजिंग इट प्रॉपरली। ऐसा पैची नहीं लग रहा है आपको, मैं क्लोजअप में दिखाती हूँ, कैन यू सी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी वो है ये फेस शॉप की लिप टिंट। ये जो है शेड, अब तो शेड भी मिट गया आई बिलीव,
रेड अप, इसका नाम है 04 रेड अप। अभी मैंने को एक्चुअली इसको रीस्टॉक करना था बट ये सारी ही वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक है। इसकी जगह आप एट्यूड हाउस का भी ले सकते हो इफ यू वांट टू, बट दिस वन इज अमेजिंग। ये बहुत लंबे समय तक टिकता है और इससे आप बहुत ही ज़्यादा अलग अलग मेकअप लुक ट्राई आउट कर सकते हो। वाटरी इसका टेक्सचर है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता आपके फेस पे। सो ऑल इन ऑल आई लव इट। और अगर आप लोगों को पता है ये मैं कहाँ से ले सकती हूँ और ये कहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है, बिकॉज नायका एंड एवरीवेयर इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, सो प्लीज़ लेट मी नो। फिलहाल मैं इससे क्या करने वाली हूँ, मैं इससे एज अ ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ, बिकॉज आप देखना कितना नेचुरल लुक देता है ये। कैन यू सी कितना नेचुरल लुक आता है इसको लगा के, आई जस्ट लव दिस वन। और मैंने एक डॉट के करीब ले लिया अपने हैंड्स में और फटाफट से मैं इसको अपने आई लिड पर हल्का हल्का सा अप्लाई कर लूँगी। नाइस फ्लश ऑफ कलर देने के लिए। एंड नाउ फॉर काजल आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड ब्राउन काजल। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जितने भी प्रोडक्ट हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड काजल है, 135 रुपीज़ इसका कॉस्ट है एंड रियली गुड काजल। ब्राउन काजल इसलिए बिकॉज ब्राउन काजल काइंड ऑफ अ नेचुरल लुक देता है आपकी आइज को। एंड इसी ब्राउन काजल की मदद से मैं बहुत ही हल्के स्ट्रोक्स मारते हुए अपनी आईब्रो भी कर लेती हूँ। बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ 5 मिनट्स मेकअप लुक, बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो ये मेकअप लुक सबसे बेस्ट है। डन। And now moving on to the main part of this video, which is mascara. Mascara क्योंकि आपकी आई को बहुत ज़्यादा ओपन अप दिखाता है और बहुत सुंदर दिखाता है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का mascara। ये एक sample size mascara है जो कि product के साथ free मिला था मुझे, but this one is amazing और I would highly recommend you to buy this one in full size क्योंकि इतना amazing है। ऑलमोस्ट डन एंड कम्प्लीटिंग दिस लुक विद अ न्यूड लिपस्टिक। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होंगे न्यूड लिपस्टिक के, बट माई रिकमेंडेशन टू यू गाइज वुड बी पैक की अडोर लिपस्टिक इन द शेड 40 एंड निक्स लिप लॉन्चरे इन द शेड से दक्षिण। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर शेड्स हैं और ये है 650 की, ये है 550 की पैक वन। बहुत कंफर्टेबल है लिप्स पे और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ऑन फेयर टू मीडियम स्किन टोन। आई थिंक आई एम गोना अप्लाई दिस वन इन द शेड सिडक्शन बिकॉज दिस इज दैट नेचुरल लुक, because this is that natural lip shade. It's kind of a peachy brown nude shade. And I'm locking this makeup with the help of this L'Oreal Infallible Pro Spray and Set. ये जो है मैं इस बार ब्लू हेवन यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्लू हेवन जो होता है थोड़ा सा हैवी मेकअप स्प्रे है फेस पे और थोड़ा सा काफ़ी ड्यूई मेकअप लुक देता है वो। हाउएवर ये जो लॉरियल है इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल हैं और ये मैट लुक देता है आपके फेस को।
आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लगा होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लुक आपको अचीवेबल लगा होगा. और अगर आप बिगनर हो तो ये लुक आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली अचीव कर सकते हो. जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं तो आप लोग अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी आप ये प्रोडक्ट अपने लिए ले सकते हो. एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉग विद रूबल. आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना. बाय बाय.